Hello everyone, Sarvodaya Namaskar, it's me Shefali ma'am. Now I'm going to teach you English of Standard 4th, Gulmohar, the 9th edition of the Chapter 3, Tyne and the Faraway Mountain. Because basically this book is yours of Gulmohar edition, and in the previous chapters we have read about Chapter 1 and Chapter 2. Now we are going to read about Chapter 3. So from the beginning of the chapter, this is kind of poem. Let's start and listen it carefully, everyone. In Ishali, in the Mishmi hills of Arunachal Pradesh, young Tyne Mena heard a wondrous call from the mountains in the distance. She was drawn to it, and a sound only she could hear. Ishali naam ka ek pradesh hai, aur ye Arunachal Pradesh ke pahadi ilako, jise Mishmi hills kehte hain, wahan ye paya jata hai. वहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मीना. उसे हमेशा, क्योंकि वो जंगलों में पली बड़ी है, तो उसे ये आवाज़ आती है पहाड़ों की ऊंचाइयों से, वादियों से जब हवा बहती है, वो पेड़ों की तरफ से चलती भी आती है, तो उसे एक सुरीली सी आवाज़ आती है जो सिर्फ उसे ही पुकारती है. शी वॉज ड्रॉन टू इट, अ साउंड ओनली शी कुड हियर. जैसे ही वो उस आवाज़ को सुनती है, वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो चाहती है कि वो दौड़ कर जहाँ से वो आवाज़ आ रही है उसके पास जाए और उसको काफी गौर से वो सुने. शी हर्ड इट वाइल शी क्लाइंब द ट्रीज. और क्योंकि वो पहाड़ों की वादियों में रहने वाली बच्ची है, तो उस वन क्षेत्र में जब भी वो आवाज सुबह के समय या शाम के समय या रात के समय उसे सुनाई देती है, तो वो दौड़ के पेड़ों पे चढ़ती है और ऊंचाई पे जाके देखती है कि आवाज आती कहाँ से है. शी हर्ड इट व्हेन शी रैन थ्रू द जंगल. उस आवाज के पीछे वो पूरे जंगल में दौड़ती है. She heard it when she spent long days lying under the sun. जब भी वो दुखी होती थी सूरज के नीचे या किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ के, जब वो अपने दुखों के बारे में सोचती थी, तो वो आवाज़ उसे हिम्मत दिया करती थी. वो उठ के दौड़ के उस आवाज़ को खोजने जाया करती थी. वुशू द साउंड वेंट वुशू. क्योंकि पहाड़ों में पेड़ों के टकराने के कारण या हवा बहने के कारण ये सुरीली आवाज़ हमेशा बहा करती है. उसको सुनने के लिए वो हमेशा दौड़ 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 जाया करती थी. आह, टाइन वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ. टाइन हमेशा बहुत खुश होकर कहती थी कि कितनी अच्छी जिंदगी है उसकी. बट वन डे हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इशली टू द क्लॉजेस बिग डाउन रोइंग. टाइन्स वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन. एक दिन क्या हुआ, टाइन का पूरा परिवार उस पहाड़ी इलाके को छोड़कर शहर में रहने के लिए आ गया. अब टाइन की पूरी दुनिया एकदम से काया पलट हो गई. उसकी जिंदगी में अब खुशी नाम की कोई चीज नहीं रही. देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग, बट द वुशू हैड बिन लाउडर इन इशली. वहाँ एक जगह थी रोइंग नाम की पहाड़ी इलाके में, जहाँ उसका परिवार आकर शिफ्ट होता है, और यहाँ उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती जब वो दुखी होती थी और पहाड़ों पे उसे हिम्मत देने के लिए सुनाया करती थी. टाइन वॉन्टेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन्स अगेन. टाइन अपनी पहाड़ों की वादियाँ में दोबारा जाना चाहती थी. सो शी ट्रेजर्ड टू स्कूल एवरी डे. वो हर बार यही कोशिश करती थी कि स्कूल ना जाकर स्कूल के बहाने वो पहाड़ों पर दौड़ जाया करे. For 10 years, glancing wistfully to the mountains on the horizon. 10 सालों से जब वो पहाड़ों पे रह रही थी, उसके वो 10 साल बहुत ही खुशी से बीते थे. When she finally finished her schooling, जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग यानी कि पूरे स्कूल के 1 टू 10th की सारी क्लासेस फिनिश करी, टाइन इमिडिएटली अप्लाई टू बी अ पोर्टर फॉर द आर्मी एक्सपीडिशंस इन द माउंटेन. टाइन ने अपने आप को 10th के बाद, स्कूलिंग खत्म करने के बाद, कॉलेज लाइफ में एक पहाड़ों पर ट्रैक करने वाला माउंटेन गाइड के लिए अप्लाई कर दिया. इस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया और कोशिश करी कि वो पहाड़ों की वादियों में रहकर ही लोगों को उसकी इतिहास के बारे में बताए. सो शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. क्योंकि आर्मी में ये जॉब थी, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग मिलती थी, तो ट्रेनिंग के लिए उसे पहले सबसे पहले पहाड़ों पर चढ़ना सिखाया जाता था, जो उसे बखूबी आता था. वो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को बड़े ही आराम से उठा के ले जाया करती थी. बट वेमेन आर नॉट अलाउड टू बी पॉटर्स इन दोज डेज. लेकिन ये उन दिनों की बात है जब औरतों को ये परमिशन नहीं थी कि वो पॉटर की जॉब को या टूरिस्ट गाइड की जॉब को कर सकें. सो टाइन डिडेंट लेट दैट स्टॉप हर. टाइन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. उसे अपना एम्बिशन पता था कि उसे पहाड़ों की वादियों में अपनी टाइम को स्पेंड करना है, तो वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली गई. उसके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसने उन सबको फेस किया.
शी ड्रेस्ड एज अ बॉय एंड स्टार्टेड टू वर्क. उसने अपने आप को एक लड़का बना लिया और लड़के की तरह तैयार होकर वो काम को इतना बखूबी करती थी कि किसी को पता नहीं चलता था कि वो खुद एक लड़की है. सो कैरिंग नियरली 25 किलो ऑफ लगेज एवरी डे. अब क्योंकि वो बहुत बहादुर पहाड़ी लड़की थी तो वो 25 किलो का भार एक बार में उठा लिया करती थी रोज के रोज. अ होल वीक पासड बिफोर एवरीवन रियलाइज दैट शी वाज अ गर्ल डिस्गाइज्ड एज अ बॉय. उसके ट्रूप में, आर्मी ट्रूप में पूरा एक सप्ताह बीत गया उसे ऐसे लड़के की तरह काम करते हुए, लड़के की ड्रेस पहनते हुए. तब जाके सबको पता चला कि वो खुद एक लड़की है. सो द ऑफिसर्स स्कोल्डेड टाइम फॉर ब्रेकिंग द रूल्स. आर्मी के ऑफिसर्स को जब ये बात पता चली तो कैप्टन्स ने उसे बहुत कस के डांट लगाई. बट दे न्यू द टाइम न्यू द रूट बेटर देन एनीवन एल्स. लेकिन ऑफिसर्स ये भी बात जानते थे कि अगर पहाड़ों पे उन्हें कोई मिशन क्रैक करना है तो उसकी ट्रैकिंग के लिए जो सही ट्रैक है वो टाइम से बढ़िया कोई नहीं जानता. वो छोटे रास्तों से जल्दी पहुंचा के काम को कर सकती थी. सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग. इसलिए ऑफिसर्स ने, कैप्टन्स ने, ब्रिगेडियर्स ने उसे अलाउ किया कि वो काम को जारी रखे. हर एक्ट वुड लेटर हेल्प लाइक द बैन ऑन फीमेल पॉटर्स. उसने, क्योंकि वो खुद एक लड़की थी तो वो चाहती थी कि आने वाले दिनों में उसके जैसे और भी टूरिस्ट गाइड या पॉटर्स बने पहाड़ों के इलाके पे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा उसके जैसा काम करें. लड़कियाँ किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें, खास करके इस प्रोफेशन को लेकर. इन द आर्मी, क्योंकि आर्मी में टाइन वर्कड ऑन मेनी एक्सपीडिशंस एंड सून बिकम अ कोऑर्डिनेटर. धीरे धीरे काम करते करते वो आर्मी में बहुत ही ज़्यादा सबकी चहेती बन गई. लोग उसे बहुत मानने लग गए और वो एक अच्छी कोऑर्डिनेटर बन गई. It was on one of her expeditions as a coordinator that she met Dr. Romeo Mattei. उसके आर्मी कैंपन के दौरान एक डॉक्टर आए थे वहाँ पे. जब लोगों को चोट लग जाती थी तो डॉक्टर्स, क्योंकि आर्मी के ही होते हैं, वो लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं. तो उन डॉक्टर का नाम था रोमियो मटाई. At that time, Dr. Mattei was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh and immediately identified Tyne's talent. डॉक्टर मेटाई खुद भी पहाड़ी इलाकों के रहने वाले डॉक्टर थे तो उस दौरान, उनके प्रोसीजर्स के दौरान, कैंपेंस के दौरान वो बार बार टूर्स पे आते थे. तो टूर में वो यहाँ इस कैंप में आए थे जहाँ उन्होंने टाइम को देखा. टाइम की मेहनत और लगन से वो बहुत खुश हुए. यू आर अ नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, ही टोल्ड हर. डॉक्टर मेटाई ने बोला कि तुम भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा क्लाइंबर हो. आमतौर पे माउंटेन्स पे इतने आसानी से कोई नहीं चढ़ पाता और तुम चुटकी बजाते यहाँ से वहाँ तुरंत पहुँच जाती हो. यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. तुम्हारे पास ताकत भी है और अपने लक्ष्य को भेदने की शक्ति भी. सो नाउ ऑल यू नीड इज टेक्निक. अब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, टेक्निक. हम जानते हैं पहाड़ों पे कैसे चढ़ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से और किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़े. जब बहुत ऊँचाई पर जाते हैं तो हमें माउंटेन हुक्स की ज़रूरत पड़ती है, माउंटेनियर रोप्स की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैकिंग मशीन की ज़रूरत होती है, कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए होते हैं. तो ये सारा प्रोफेशनली सिखाने के लिए डॉक्टर रोमियो मेटाई टाइम को रेडी थे. वो चाहते थे कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करें. सो डॉक्टर मेटाई बिकेम टाइम्स मेंटोर एंड शी बिगैन हर ट्रेनिंग एज अ माउंटेन क्लाइंबर. तो इस तरह डॉक्टर मेटाई एक डॉक्टर होने के साथ साथ माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग भी दिया करते थे एज अ हॉबी. तो वो उसके टाइन के मेंटोर बने, उसके टीचर बने और उनकी देखरेख में टाइन ने अपने माउंटेन क्लाइंब की ट्रेनिंग शुरू करी. द डिस्टेंट माउंटेन स्टिल कॉल्ड हर, क्योंकि वादियों और पहाड़ों से उसे बहुत ही सुकून मिलता था. स्कूल में क्लासेस बंक करके वो जाया करती थी तो उसका सपना तो बस पूरा ही होने वाला था. वो उनकी देखरेख में अपनी ट्रेनिंग को शुरू करती है. सो टाइन डिडंट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन टिल शी वॉच्ड द रेस फॉर एवरेस्ट. धीरे धीरे उसे पता चला कि दुनिया में इन पहाड़ों की वादियों के अलावा और भी बहुत से पहाड़ हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है. तो उसके मन में आया कि वो माउंट एवरेस्ट को अगर फतेह कर ले तो उसका सपना पूरा हो सकता है. अ फिल्म अबाउट द फर्स्ट टू क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट. उसने माउंट एवरेस्ट पे और भी जितने लोग चढ़े थे उन सबकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी. उससे वो बहुत प्रेरित हुई. वुशु बिकेम अ रोल नाउ एंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकम हर ड्रीम. क्योंकि पहाड़ों से आने वाली वो आवाज़ आज भी उसके कानों में बचपन की गूंजा करती थी जो वुशू करके आती थी. उस आवाज़ को सुनने के लिए उसने अपना सपना बनाया कि वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करेगी. आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, महीनों की तगड़ी मेहनत के बाद टाइन फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल. नेपाल में एक बेस कैंप था, उसमें वहाँ जा करके वो किसी तरह महीनों मेहनत करते हुए उस बेस कैंप तक पहुँची.
नेपाल एंड जो कि नेपाल में था, इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड द एयर वॉज थिन. जहाँ जिस दिन वो कैंप में पहुंची उस दिन हवा बहुत जोरों की बह रही थी. तगड़ी हवा के कारण तूफान जैसा महसूस हो रहा था. द टाइम ट्रेनड देयर फॉर अ फ्यू डेज टू गेट अकस्टम टू द हार्श वेदर एंड देन बिगिन हर क्लाइम. उस ठंडी हवाओं में रहकर उसने चलने की ट्रेनिंग ली, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कब हवाओं की तेजी में टेंट बनाना है, किस समय उठ के वापस से क्लाइंबिंग करनी है, ये सब की ट्रेनिंग उसने 3 से 4 दिन तक उस कैंप में ली. देन शी बिगैन हर क्लाइंब. कुछ दिनों बाद वो वापस से अपनी क्लाइंबिंग की जर्नी को शुरू करने लगी. द क्लाइंब वॉज डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज थी और ऊंचाई काफी ज्यादा थी. ऑक्सीजन की कम होने के कारण पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल था. इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस सो दैट द क्लाइंबर्स कुड टेक रेस्ट एट डिफरेंट कैंपिंग पॉइंट्स. क्योंकि टाइम के साथ और भी बहुत सारे माउंटेनियर्स उस ग्रुप में ज्वाइन थे, तो काफ़ी मुश्किल था उन सबको गाइड करते हुए आगे लेकर जाना. क्योंकि रास्ता सिर्फ और सिर्फ टाइम को पता था. पहाड़ों की वादियों में उसने समय बिताया था, बाकी लोग नए थे. सो द जर्निंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन बाय द टाइम टाइन एंड हर कंपेनियन माउंटेन के जिस फतेह को जिस एवरेस्ट को वो फतेह करना चाहते थे उसके आधी दूरी पे वो आए, तो तकरीबन थोड़ी सी दूरी और रह गई थी. चेरिंग शेरपा रीच द सेकेंड कैंप. उनके ग्रुप में एक और मेंबर थे जिनका नाम था चेरिंग शेरपा. क्योंकि शेरपा माउंटेनियर्स का टाइटल होता है, वहाँ नेपाल में लोग ज़्यादातर अपना टाइटल शेरपा लगाते हैं. तो चेरिंग शेरपा नाम के एक व्यक्ति, उसी के नीचे एक सेकेंड कैंप लगा था नेपाल में, जहाँ टाइन रुकी थी उनके नीचे एक कैंप था, वहाँ आगे वो रुके. द वेदर हैड ग्रोन वर्स. मौसम अब बहुत ही खतरनाक हो गया था. डू यू वॉन्ट टू गो अहेड, चेरिंग आस्क्ड इट. चेरिंग जैसे ही टाइम के पास पहुंचे उन्होंने बोला, क्या आप और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहती हैं इस खराब वेदर में भी? आई डोंट थिंक आई विल गेट अनदर चांस टू डू दिस, टाइम ने कहा. मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कभी कोई दोबारा मौका मिलेगा ये काम को करने का. सो शी कुड हियर द म्यूजिकल. उसे आज उस ठंडी हवा में भी बचपन की वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, दुख भरी. जब वो बचपन में उदास हुआ करती थी तो ये आवाज़ उसे चीयर अप करती थी. आज ये आवाज़ फिर से उसे चीयर अप कर रही थी कि तब तक तुम बिल्कुल हार मत मानो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो. तो ये हवा उसे कह रही थी कि उसे अपना लक्ष्य भेदना ही था. सो इट ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड हर. तो एक तरह से ये हवा ने उसे बिल्कुल एक जगह अचंभित कर दिया था. कैसे किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, बोलते हैं कि आप ये कर रहे हो तो इसी पे फोकस करो. तो बिल्कुल उसका फोकस पूरी तरह से अभी माउंटेन फतेह करना था. टाइन एंड चेरिंग सम हाउ मैनेज टू रीच द फाइनल कैंप. किसी तरह लास्ट डेस्टिनेशन जो उनका फाइनल कैंप था, जो कि माउंटेन की ऊंचाई की चोटी से कुछ ही दूरी पे था, वहां वो पहुंच गए. जस्ट एज दे वर अबाउट टू टेक द रेस्ट द स्टॉर्मी विंड ब्लू देयर टेंट एंड सप्लाइज अवे. जैसे ही वो आराम करने वाले थे एक बहुत जोरों का तूफान आया. हवा के झोंके ने उनका टेंट ही उड़ा दिया और उसमें रखे सारे खाने पीने के सामानों को भी. दे हैड टू स्पेंड द नाइट इन वन बोरोड टेंट एंड व्हेन दे सेट ऑफ फॉर द फाइनल टाइम द नेक्स्ट डे. पास के एक कैंप से उन्होंने एक टेंट की मांग करी और उस टेंट में किसी तरह पूरी रात गुजारी. सुबह होते ही वो अपने माउंटेन क्लाइंबिंग के सफर को तय करने के लिए निकल पड़े. ऑल टाइन एंड चेरिंग हैड वॉज अ पैकेट ऑफ नूडल्स. पूरे दिन और पूरी रात स्पेंड करने के लिए उनके पास सिर्फ एक पैकेट नूडल्स का था. लेट शेयर हाफ ऑफ इट, चेरिंग सजेस्टेड. चेरिंग ने कहा आधा आधा बांट लेते हैं. टाइन नॉडेड हर हेड. टाइन ने अपना सर हिलाया एंड स्माइलिंग डिटरमाइंडली, इफ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ. टाइन ने कहा अगर हम जिंदा बचे तो इसका आधा हिस्सा जरूर खाएंगे. द हायर दे क्लाइम द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लू. जितना ऊंचाई पे वो जाते थे उतनी तगड़ी और तेज हवा बहने लगी. फॉर एवरी टू स्टेप्स दे टुक इट सेंड देम रीलिंग बैक अ स्टेप. जैसे 2 कदम आगे बढ़ाते थे हवा का झोंका उन्हें 1 कदम और पीछे फेंक देता था. क्योंकि पहाड़ों पे हवा का वेग जमीन के तौर पे लैंड के तौर पे कई गुना ज्यादा होता है. सो इट श्रिकेड एंड हाउल्ड. एक तरह से अपने आप को हवाओं के तूफान से युद्ध से लड़ते हुए दोनों आगे बढ़ते चले. विस्परिंग ड्रेड इन टू द ईयर. बार बार हवाएं कान में आके कहती थी अपना लक्ष्य छोड़ दो हम तुम्हें मार देंगे. एंड अर्गिंग देम टू रिटर्न. बार बार उनके दिल में ये बात आती थी. उनके दिल ये कहता था कि नहीं हमें आगे बढ़ना है और हवाएं कहती थी कि तुम्हें पीछे जाना है. टाइन कुड ओनली हियर द मैजिकल ट्यून ऑफ वुशु. टाइन अब आंखें बंद करके आगे बढ़ रही थी और बचपन की उस छोटी सुनहरी आवाज को सुन रही थी. जब वो उदास होती थी वो वुशु का साउंड उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहता था. तो टाइन अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आगे बढ़ चली.
सो दे पुश इट अहेड फियरलेसली, आगे बढ़े निडर होकर, निर्भीक होकर वे आगे बढ़ते चले गए एंड कंटिन्यू टू क्लाइम टू द टॉप, और इस तरह वो उस पहाड़ की चोटी पे पूरे तरीके से चढ़ गए। एंड फाइनली अंत में एट 10:45 AM, सुबह के 10:45 के समय, और 9 मई 2011, 9 मई 2011 को टाइम्स एफर्ट्स वर रिवॉर्डेड, टाइम की मेहनत और उसकी टीम की मेहनत, चेरिंग की मेहनत सफल आई। शी समिटेड टू द माउंट एवरेस्ट, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी। एंड इट वॉज द हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन थी। द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत के इलाके से वो पहली दुनिया की ऐसी महिला थी जिन्होंने ये किला फतेह किया था। शी हैड फाउंड हर फार अवे माउंटेन, उन्हें बचपन के उस वुशु का साउंड इसी पहाड़ से आता था, और यही वो फार अवे माउंटेन थी जो दूर दूर तक उसकी नजरों से आज तक ओझल थी। आज उसने अपने लक्ष्य को भेद दिया था एंड वॉज वन विद द साउंड दैट हैड कॉल्ड हर ऑल हर लाइफ, यही तो वो आवाज़ थी जो अपने पास उसे पूरी जिंदगी से बुला रही थी, जिसके लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी, रात भर जागी थी इस आवाज़ को खोजने के लिए, जंगलों में दौड़ी थी। आज फाइनली वो अपने लक्ष्य को फतेह कर पाई थी। सो आई थिंक दैट वॉज क्वाइट अ वेरी नाइस स्टोरी गाइज, सो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। एंड द राइटर इज शिखा त्रिपाठी, सो लेट्स रीड अबाउट शिखा त्रिपाठी, हु आर शी। शिखा त्रिपाठी इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वेल नोन ट्रेवल राइटर्स, ये इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा वृतांत लिखने वाली लेखिका हैं। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर चाइल्डहुड इन बिनसार, इन्होंने अपने बचपन का सारा समय, एक प्रदेश है बिनसार नाम का, वहाँ बिताया है। और शी रोट अबाउट हर ट्रेवल्स टू लिटिल नोन प्लेसेस, आज तक दुनिया में जितनी भी यात्राएं इन्होंने की हैं इन्होंने उन सब पे लिखा है। द एडवेंचर शी हैज़ हैड एंड द पीपल शी मीट्स देयर, इनकी लाइफ में जितने भी यात्राओं के वृतांत हुए हैं, लोगों से ये जितनी बार मिली हैं, इन्होंने उन सारे वृतांतों को एक किताब बनाकर उसमें बखूबी वर्णन किया है। सो गाइज, अबाउट द टाइम एंड द फार अवे माउंटेन, वी हैव रीड इट एंड होप यू विल लिसन इट केयरफुली। ट्राई टू आंसर दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेक्स्ट। नंबर वन, हाउ डिड टाइन स्पेंड हर टाइम इन हर मिशमी हिल्स? सेकेंड, वाई वॉज टाइन अनहैप्पी इन द टाउन रूइंग? थर्ड, वेयर डिड टाइन मीट डॉक्टर मिटाई? हाउ डिड ही हेल्प हर? नंबर फाइव एंड द लास्ट, Why did Tine go to the Everest base camp in Nepal? What did she do there? And on the basis of you reading the track, let's try to answer some English meaning, guys. Number one is hypnotized. It means affected her like a magical spell. Second, supplies. It means things like food, torches, first aid kit, and so on. Reeling back. It means moving very unsteadily. Fourth, dread. It means great fear and uncertainty. Last, everyone, ban. It means a law that doesn't allow people to do something. So, Sarvodaya Namaskar, everyone, and thank you, everyone.